अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पुराने कंसेप्ट जो हैं वो आपसे दोबारा से शेयर करना चाहूँगी। सपोज दिस इज़ अ सेल। एज यू ऑल नो दैट न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल। इट एक्ट्स लाइक अ ब्रेन ऑफ सेल। और ये जो है ये सेल को बताता है कि सेल ने किस तरह से फंक्शनिंग करनी है। ऐसा क्यों होता है कि न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन की तरह काम करता है? इट इज़ बिकॉज इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और उन क्रोमोसोम्स के ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि सेल को गाइड करती है कि सेल ने किस तरह से काम करना है। अब क्रोमोसोम क्या है? आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर कंडेंस्ड क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन इज मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। मोस्टली जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो जो डीएनए है वो कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, तो जिस फॉर्म में वो होता है उसे बोलते हैं क्रोमेटिन। यानी ये कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं होता, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, लेकिन डिवीजन के वक्त जो क्रोमेटिन है उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है जिसे हम कहते हैं कि वो क्रोमोसोम है, और ये विजिबल भी होते हैं। जबकि डिवीजन जब नहीं हो रही होती तो क्रोमेटिन जो है वो विजिबल नहीं होता है। अब किस तरह से डीएनए और प्रोटीन जो हैं वो असेंबल होते हैं? जो प्रोटीन होती है जो मिलके क्रोमोसोम बनाती है, ये प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अगर कभी आप बीड्स ले लें और बीड्स के इर्द गिर्द स्ट्रिंग्स जो हैं या धागा जो है उसको लपेट दें आप, तो जिस तरह से अपीयरेंस बनती है बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा क्रोमोसोम है वो कंपाइल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो हिस्टोन प्रोटीन है, लेट्स सपोज हिस्टोन प्रोटीन इज जस्ट लाइक अ बीड, और इसके इर्द गिर्द थ्रेड की तरह जो डीएनए है वो रैप अप हुआ होता है। अब ये रैपिंग किस वजह से होती है? ऑब्वियसली बोथ ऑफ दीज आर बायो केमिकल्स। ठीक है, तो इनके अंदर अट्रैक्शन होती है। ठीक है, स्लाइड साइन में जो है पोल्स बने होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो थ्रेड है वो बाइंड करता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, और एक शेप हमारे पास आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, अब जो डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर टू स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक, दीज स्ट्रैंड्स आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि अगर ये मेरे पास स्ट्रैंड जो है पी है और ये स्ट्रैंड क्यू है, तो स्ट्रैंड पी का जोन सा पार्ट स्ट्रैंड क्यू के ऑपोजिट आएगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन बेसिक उसके जो हैं कंपोनेंट्स हैं, फॉस्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर एंड अ नाइट्रोजिनस बेस। चार तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इन चारों में फॉस्फेट ग्रुप भी सेम है, राइबोस शुगर भी सेम है, तो ये डिफरेंट किस वजह से हैं? अपनी नाइट्रोजिनस बेस की वजह से। इन चारों में नाइट्रोजिनस बेस जो है वो डिफरेंट होती है, दैट इज़ वाई ये हमारे पास चार तरह के जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि डीएनए बनाते हैं। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि सपोज इट इज़ अ स्ट्रैंड पी एंड दिस इज स्ट्रैंड क्यू, तो स्ट्रैंड पी का जौन सा हिस्सा स्ट्रैंड क्यू के सामने आएगा वो फिक्स्ड होगा। किस तरह से? कि आपको पता है कि डीएनए बायोमोलिक्यूल है, ठीक है,
तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई तो केमिकल्स मौजूद हैं जिन्होंने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक। तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिन्होंने क्या किया है, इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। हमारे पास चार बेसिस हैं, एडिनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। अब जो एडिनिन है वो हमेशा थायमिन के ही कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास एडिनिन बेस मौजूद है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमारे पास थायमिन ही होगी। अगर यहाँ पे गुआनिन जो है मौजूद है तो इसके ऑपोजिट हमेशा मेरे पास कौन सी बेस होगी, साइटोसिन, ठीक। इसके अलावा जो मेरे पास एडिनिन और थायमिन है इसके दरमियान हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होगी। जबकि जो मेरे पास गुआनिन और साइटोसिन है इसमें हमेशा मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होगी, ठीक है। इसी तरह ये सारा स्ट्रैंड होगा। सपोज अगर यहाँ पे थायमिन मौजूद है तो इसके ऑपोजिट हमेशा एडिनिन ही होगी। इधर अगर साइटोसिन हमारे पास नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड मौजूद है तो इसके ऑपोजिट हमेशा गुआनिन ही होगा। थायमिन और एडिनिन के दरमियान हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब जो हाइड्रोजन, ये जो हमने डीएनए का मॉडल पढ़ा, इट वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, और इस मॉडल को हम बोलते हैं वाटसन क्रिक्स मॉडल, ठीक है। प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं कि मियोसिस क्या होती है। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो फ्यूज होते हैं, हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट, और एज अ रिजल्ट जायगोट बनाते हैं जिसके अंदर डबल क्रोमोसोम्स होते हैं और वो सेम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर डीएनए है, डीएनए का एक स्ट्रैंड एक पेरेंट से आ रहा होता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो हमेशा दूसरे पेरेंट से आ रहा होता है। इसको हम मज़ीद अभी फर्दर जो है पढ़ेंगे। डीएनए इज कंसीडर्ड एज जेनेटिक मटेरियल। अब ऐसा क्यों है, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों समझा जाता है? इसकी रीज़न ये है कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज ब्रेन ऑफ सेल। वो इंस्ट्रक्शन देता है सेल को कि सेल ने क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो उसको किस तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सेल को उसने क्या बताना है, क्या ऑर्डर देना है? ये इस तरह से होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती हैं जीन्स, जीन्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है एक स्पेसिफिक प्रोटीन की। वो प्रोटीन हमेशा कोई स्पेसिफिक जाके एक्सप्रेशन करेगी, जैसे कि वो प्रोटीन ये डिसाइड कर सकती है किसी की स्किन का कलर क्या है, किसी के बालों का कलर क्या है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद हैं जीन, वन जीन हमेशा वन स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो बनाएगी, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन जो है इन टर्न कोई ना कोई जो है स्पेसिफिक एक्सप्रेशन करेगी। स्पेसिफिक एक्सप्रेशन से क्या मतलब है कि वो डिसाइड करेगी, उस प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है वो डिसाइड करेगी कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो देखने में कैसा है, ठीक है। इसमें आ जाते हैं फैक्टर जैसे कि हाइट, जैसे इसमें आ सकता है स्किन कलर आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है हेयर कलर, ठीक है, जो सब में स्लाइड से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये अब किस तरह से होता है, जीन्स जो हैं वो किस तरह से एक प्रोटीन बना लेती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ये स्टेप, ये जो डीएनए की वर्किंग है कि डीएनए किस तरह से प्रोटीन बनाती है, इसको हम सेंट्रल डोगमा भी बोलते हैं। अब ये प्रोसेस क्या है, सपोज इट इज़ अ क्रोमोसोम, ठीक है, इस क्रोमोसोम पे काफ़ी ज़्यादा जीन्स होंगी, ऑब्वियसली एक जीन तो नहीं होगी। सपोज मैं यहाँ से एक जीन जो है उसकी बात कर रही हूँ, अब वो जीन डीएनए के जिस पार्ट पे मौजूद है, ठीक है, ये डीएनए का पार्ट है जहाँ पे एक जीन मौजूद है, इसकी सबसे पहले क्या हो जाएगी, रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन क्या होती है, रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनी, उसे हमने क्या बोला कि डीएनए की क्या हो गई, रेप्लिकेशन हो गई। दिस वॉज द स्टेप वन, जिसके अंदर क्या हुआ कि डीएनए के ऊपर जो जीन्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस था उसकी क्या हो गई, रेप्लिकेशन हो गई। नाउ व्हाट हैपेंस, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, दिस इज राइबोसोम। राइबोसोम के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें दो यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर यूनिट होता है और एक लार्जर यूनिट होता है, और जहां से ये दोनों मिल रहे हैं इसको बोलते हैं नेक ऑफ राइबोसोम। अब क्या होता है कि रेप्लिकेशन की वजह से जो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी आई थी ना डीएनए की, उसको हम बोलेंगे कि ये है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, राइबोसोम की नेक से पास करता है और क्या करता है, इसको ट्रांसलेट करता है। किस में ट्रांसलेट करता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन में, यानी कि ये जो ये मैसेंजर आरएनए है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है जो उसने जाके राइबोसोम को दी कि अब तुम एक स्पेसिफिक क्या बनाओ, प्रोटीन बनाओ, एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाओ। अब वो प्रोटीन इन टर्न क्या करेगी, वो प्रोटीन कोई ना कोई जाके यकीनन कोई एक्सप्रेशन देगी,
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वो एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, वो उसकी हाइट हो सकती है, बाल हो सकते हैं, स्किन कलर हो सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इट वॉज द स्टेप टू एंड इट इज स्टेप थ्री। इस सारी प्रोसेसिंग को, जिसमें एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद डीएनए से एक इन्फॉर्मेशन बनी, डीएनए ने किस तरह से काम किया, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, इट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में जो हमने स्टेप वन देखा, जिसमें क्रोमोसोम के एक खास क्रोमोसोम पे मौजूद डीएनए के एक खास पोर्शन जहाँ पे जीन मौजूद थी उसकी रेप्लिकेशन हुई, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जब ये मैसेंजर आरएनए बन गया और ये राइबोसोम की नेक से पास हुआ और एज अ रिजल्ट एक प्रोटीन बन गई, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेंट्रल डोग्मा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, तो यू कैन सिंपली से द वर्किंग ऑफ डीएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा, इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और साथ में आप डिफाइन करोगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिन ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस का प्रोसेस होता है उनमें दो गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। मियोसिस की वजह से क्या होता है, हमारे पास दो गैमेट्स बनते हैं, वन इज मेल गैमेट एंड द अदर वन इज फीमेल गैमेट। बोथ हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। जब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो ये बनाते हैं जायगोट, और जो जायगोट बनता है उसके अंदर अगेन क्या हो जाता है, डबल नंबर ऑफ जो है क्रोमोसोम्स हो जाता है। इट मींस अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 23 pairs of chromosomes. What is meant by 23 pairs? 23 pair means total 46 आपके पास जो हैं chromosomes होते हैं। अब क्या होता है, one chromosome is obtained from one parent while the other one is obtained from the second parent, ठीक है। दोनों parents में से जो दोनों chromosome हैं एक एक आते हैं। अब क्या है कि दोनों chromosomes में information same होती है, ठीक। अब सपोज दीज आर टू क्रोमोसोम्स, ठीक, इन पे जीन्स मौजूद हैं। किसी क्रोमोसोम पे वो लोकेशन जहाँ पे एक जीन मौजूद है उसे हम बोलते हैं लोकस, सिंगल है तो लोकस, अगर मैं दोनों की बात करूँगी तो मैं बोलूँगी कि ये लोकाई है। अब ये एक पेयर है, ठीक, इन दोनों क्रोमोसोम पर किसी एक खास ट्रेट की क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। ट्रेट से क्या मुराद है, ट्रेट से मुराद ये है कि ये एक खास किस्म की क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे जो इन टर्न एक खास किस्म का इंप्रेशन देगा, और दोनों के ऊपर सेम ही ट्रेट की इन्फॉर्मेशन होगी। इट मींस कि अगर क्रोमोसोम हमारे पास पेयर्स में मौजूद होते हैं तो जो जीन्स हैं वो भी तो पेयर्स में मौजूद हुई, ठीक है। तो जीन्स के जो पेयर्स होते हैं यानी कि उनके ऊपर क्या होती है, सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि उनके वो किसी एक ही प्रोटीन की क्या करेंगे, डिकोडिंग करेंगे, सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ऐसी जीन्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एलील्स। ठीक है, जीन के पेयर्स को हम बोलते हैं एलील्स। सपोज अगर एक जीन है जिसको हम कह देते हैं, इसका नाम है जीन ए, अगर एक लोकस पे, एक क्रोमोसोम के एक लोकस पे जीन ए मौजूद है, तो जो इस पेयर का दूसरा क्रोमोसोम है उसमें भी सेम पोजीशन के ऊपर सेम ही इंफॉर्मेशन की जीन मौजूद होगी, ठीक है। ऐसी जीन्स जो कि जिनका पोजीशन यानी कि लोकस यू कैन से इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड पोजीशन, जिनकी पोजीशन सेम है और वो एक सेम पेयर के ऊपर है, सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर है, उनको हम कहेंगे कि ये एलील्स हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई। आपने चैप्टर के बिगनिंग से लेकर पेज नंबर
तक रीडिंग करनी है, ठीक है? इन केस यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑन द